कैसे हो दोस्तों, स्वागत है मेरे पहले वीडियो पे। और इसमें मैं अपलोड करना चाहूँगा मॉन्स्टर हंटर की गेम प्ले। मॉन्स्टर हंटर मेरा सबसे पसंदीदा गेम है, और जितना मैंने देखा है इंडिया में इसकी बहुत कम ऑडियंस है। अब ये मत सोचना कि मेरे को कैपकॉम से पैसे मिले हैं इसको रिकॉर्ड करने के लिए। अगर ऐसा होता तो मेरे 0 सब्सक्राइबर्स नहीं होते, और ना ही ऐसा है कि मैं तुम्हारे फेवरेट स्ट्रीमर को देख करके ट्रेंड फॉलो कर रहा हूँ, क्योंकि अगर ऐसा होता तो मेरे गेम में 600 घंटे नहीं होते। मैं बस इंडिया के अपने दोस्तों के साथ ये फैलाना चाहता हूँ कि जो लोग सिंगल प्लेयर गेम खेलते हैं और जो भी एक्शन एडवेंचर गेम खेलते हैं जिनको पसंद हो, वो इस गेम को ये गेम उन्हें बहुत पसंद आएगा। और तुम जहाँ से भी गेम डाउनलोड करते हो, मैं रिकमेंड करूँगा एज अ प्लेयर और एज अ गेम डेवलपर कि तुम गेम खरीदो, ताकि जब भी मैं ऑनलाइन आऊँ तो और ज़्यादा इंडियन लोगों के साथ खेल सकूँ इंस्टेड ऑफ चिंकीज। एनीवेज, तो शुरू करते हैं। मैं करूँगा न्यू गेम प्लस से। तो जैसा कि आप देख सकते हो, मॉन्स्टर हंटर आरपीजी गेम है, तो आरपीजी शुरुआत ही होगी कैरेक्टर क्रिएटर से। हो सकता है कि कैरेक्टर बनाते टाइम जो भी एक्सेसरीज या फिर जो भी स्टाइल्स मेरे पास हो वो तुम्हारे पास ना हो, क्योंकि मैंने मॉन्स्टर हंटर का डीलक्स एडिशन ले रखा है, जो पिछले साल स्टीम पे 2000 कुछ में आइसबॉर्न और वर्ल्ड का आ गया था। Sisters and brothers of the fifth fleet, it's time. तो मैं सिनेमैटिक प्ले होने देता I'll हूँ, keep my और farewell सिनेमैटिक के बाद brief. मैं कैरेक्टर Never was क्रिएटर में much with मिलता हूँ। words. Once you board this ship, there's no turning back. The next ground your feet will touch will be that of the new world. If any of you have lost your nerve, then step away now and let no one judge you. Very well. Then sail safe and strong, and may the sapphire star light your way. मॉन्स्टर हंटर सीरीज में पूरे मॉन्स्टर हंटर वर्ल्ड के ग्राफिक्स पूरे सीरीज में सबसे बेहतरीन है। We're almost there. You ready to grab this new world by the horns? Don't know about you, but it feels like ages since I left home to join the commission. So, nervous? Believe you me, I get it. Anything could happen to us, but hey, that's happened. Yep. Hey, aren't you one of the A-list hunters? What? No way! So are we! Hey! Tell us your name. तो पहुंच चुके हैं अपन लोग कैरेक्टर क्रिएटर पे। चाहता तो हूँ कि मैं फीमेल चूज करूँ, ताकि पीछे से देखने में चले जाने दीजिए। मेल ही चूज करते हैं। फेस प्रीसेट्स यूजुअली मैं जब भी अपने लिए कैरेक्टर बनाता हूँ तो मैं सेल्फ इंसर्ट्स बनाता हूँ। इसका मतलब मेरे से जिसकी शक्ल मिले, कोशिश करूँगा जितना हो सके उतना क्लोज बनाने के लिए। हो सकता है कि जितने ऑप्शंस मेरे पास हो फेस प्रीसेट्स के, अगर तुमने गेम खरीदा हो तो मे बी तुम्हारे पास ना हो, क्योंकि मैंने मॉन्स्टर हंटर का डीलक्स एडिशन खरीदा था जैसे मैंने बताया। ये शक्ल ठीक लग रही है, लेट्स गो विद दिस वन। यार इतना गोरा तो हूं नहीं मैं। ये थोड़ा बेटर है। हेयर स्टाइल नोप, नहीं यार ये तो पॉसिबल ही नहीं है।
ठीक है, लेट्स गो विद दिस वन। बालों का कलर तो काला ही रहेगा, इंडियन बंदा हूं, क्या ही एक्सपेक्ट करना है। थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ाते हैं, कंफर्म। अच्छा एक और चीज, मैं कंट्रोलर यूज कर रहा हूं, तुम चाहो तो कीबोर्ड माउस यूज कर लो, कंफर्टेबल मुझे कंट्रोलर में होता है। ये तो नॉर्थ ईस्टर्न आंखें लगती है। आगे करते हैं, पहला ही सही था जितना मुझे लगता है। नहीं, ये ठीक है। बेटर, बाकी सब ठीक ही है। क्लोथिंग ये बेहतर है। आवाज सिलेक्ट करते टाइम ही एक आवाज का सैंपल होना चाहिए था, ऐसे एक एक करके आवाजें चेक करने में सदियां लग जाती है। ठीक है, टाइप 8 ही सिलेक्ट करते हैं, कंफर्म। डिफॉल्ट आर्मर, अच्छा एक और चीज, डिफॉल्ट आर्मर मेरे पास जो है वो आर्मर मॉन्स्टर हंटर वर्ल्ड के नॉर्मल एडिशन पे नहीं आता, ये आर्मर सिर्फ और सिर्फ डीलक्स एडिशन में मिलता है। तो गार्डियन एल्फा जिसका नाम है, तुम्हें जो डिफॉल्ट मिलेगा वो है लेदर आर्मर, ठीक है। और क्योंकि क्योंकि मैं गेम को ऐसा खेलना चाहूँगा कि जैसे कोई ये अज्यूम करके कि तुम्हारे पास डीलक्स एडिशन ना हो, तो मैं लेदर आर्मर से ही शुरू करूँगा और करता हूँ कन्फर्म। फिनिश, एंटर योर नेम, कन्फर्म। ठीक है, और यह है तुम्हारा पेट बांकड़ बिल्ला, जो तुम्हारे हर हंट्स में तुम्हारे साथ रहेगा। बिल्लों का बेसिकली इस गेम में फंक्शन यही होता है कि वो तुम्हें हील करते हैं जब भी तुम्हारी हेल्थ कम होती हो, और तुम इसको अलग अलग वेपन्स दे सकते हो मॉन्स्टर के पार्ट्स वगैरह लूट करने के लिए। मैं बनाऊंगा लंबे कानों वाला बिल्ला। कुछ ऐसे, टेक्सचर भी एकदम पिकाचू की तरह है, हरा और हरा नहीं, येलो और ब्राउन। क्लोथिंग ये नंगा ही सही था वैसे, बट कपड़े पहना नहीं है तो येलो, थोड़ा और पिकाचू का फील आने के लिए। एनीहाउ, कंफर्म। वॉइस चलता है, डिफॉल्ट आर्मर ठीक ही है, फिनिश। पैलिको का नेम पिकाचू, कंफर्म। पिकाचू नाम सही नहीं रहेगा, इसका नाम रखते हैं चलिए जाने दीजिए। फैमिली फ्रेंडली बनाना है अपने चैनल को, क्योंकि शुरू होने से पहले ही खत्म नहीं होना चाहता मैं। एनी हाउ, लेट्स गेट स्टार्टेड। कैरेक्टर क्रिएशन के बाद अपना कटसीन ही कंटिन्यू होएगा। Ha
To the A-list! And the commission! Cheers! So, tell me, what's your theory? The Elder Dragons must migrate to the New World for some reason. After running the research commission for 40-odd years, the Guild's itching for an answer. They say the Fifth Fleet's got the best shot at cracking this case, and I agree! Keep it down. Hey, speaking of, A-listers usually operate in teams of two. Have you sat down with your partner yet? अपना कैरेक्टर पूरे गेम में ही बात नहीं करता। AI टेक्नोलॉजी के आने के बाद मैं कैपकॉम को एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मॉन्स्टर हंटर वाइल्ड्स में अपना कैरेक्टर एटलीस्ट कुछ बोल सके। You're on the A-list, right? Meowdy-doo. I'm not psychic, but I do have pretty good ears. Ah, put her there. I happen to be an A-lister myself. Oh, whoa! अपने कैरेक्टर को देखकर ऐसा लग रहा है कि मैं दाढ़ी बनाना भूल गया। एनीहाउ, मॉन्स्टर हंटर के कैरेक्टर क्रिएटर का यही फायदा है, गेम शुरू होने के बाद भी तुम कैरेक्टर को किसी तरीके से चेंज कर सकते हो। ऑलराइट, तो शुरू होता है गेम प्ले पार्ट। इसका पूरे गेम भी यही एटीट्यूड रहता है, ज्यादा दम है नहीं लेकिन सबसे पहले खतरे में यही घुसती है। अगर सोच रहे हो तो तुम्हें बता देता हूँ कि जिस ज्वालामुखी के ऊपर हम खड़े हैं वो ज्वालामुखी नहीं है या ना ही कोई पहाड़ है, वो बेसिकली एक मॉन्स्टर है जो गॉडज़िला से ज्यादा बड़ा होगा और वो अपने पीठ पे पूरा एक ज्वालामुखी का पहाड़ लेकर घूमता है। और ये है अपना मॉन्स्टर। ये देखो उसके शक्ल पर हम खड़े हैं और ये हमने जंप लगाई।
इसे कहते हैं लड़की का चक्कर मौत से टक्कर। इतने बड़े मॉन्स्टर के वो मुंह से होकर के निकला। और यहां पर हम पहुंचते हैं अपने मैप पे, द न्यू वर्ल्ड। लेट्स गो। गेम भले ही हाइब्रिड हो, तुम सिंगल प्लेयर मल्टीप्लेयर दोनों ही खेल सकते हो, लेकिन गेम में यार कटसीन्स बहुत सारे हैं तो पेशेंस रखना पड़ेगा। I found this in the tent. It has a map in it. Well, part of one at least. Looks like we're right around here. The Research Commission's base of operations is here. This is where our ship was supposed to dock. For now, I think it would be best if we make our way to base. The map should help us find our way. As usual, हर गेम में सबसे पहले जब ट्यूटोरियल मिशंस वगैरह होते हैं, तब खुद से आगे हम बढ़ ही नहीं सकते, हमें बेसिकली हैंडलर के पीछे ही जाना है। मॉन्स्टर हंटर वर्ल्ड अपने पूरे सीरीज का पहला ऐसा गेम है शायद जिसमें पूरा एक इवॉल्विंग लिविंग ब्रीदिंग इकोसिस्टम है। हर एक चीज से तुम इंटरैक्ट कर सकते हो। इनफैक्ट अगर तुम मॉन्स्टर से लड़ने वाले हो तो तुम पूरे एनवायरनमेंट का इस्तेमाल कर सकते हो, मॉन्स्टर को टैकल कर सकते हो, उसको पेड़ों में बांध सकते हो, पेड़ों की बेलों में बांध सकते हो, मॉन्स्टर के फुटप्रिंट्स भी तुमको मिल जाते हैं। Get to HQ, we need to... अनपढ़ है लगता है। These Abdanoths seem every bit as docile as the ones back home. ये हमारे पहले मॉन्स्टर, शाकाहारी जानवर Abdanoth। देखकर ही पता लग रहा होगा तुमको कि जो पैरासॉरोलोफस डायनासोर्स होते हैं इनका डिज़ाइन उनसे बहुत इंस्पायर्ड है, अगर तुम डायनासोर वगैरह में इंटरेस्ट रखते हो तो। और ये है फीमेल Abdanoths, उनके सर पे क्रेस्ट नहीं होता, इनके टेल्स स्टेगोसोरस के टेल से इंस्पायर्ड है, कहते हैं इसको थैगोमाइजर। ये प्लांट्स है वाइटलिटी प्लांट्स, बेसिकली पूरे मैप में तुमको ऐसे प्लांट्स वगैरह मिलेंगे और अगर तुम इनको काटते हो तो तुम्हारा ये हेल्थ रिकवर करते हैं। तो अगर मान लो इस अरीना में तुम किसी मॉन्स्टर के साथ लड़ रहे हो, तुम्हारी हेल्थ कम है, पोशंस वगैरह नहीं है, तो तुम इस प्लांट्स को ऐसे करके काट करके अपना हेल्थ रिकवर कर सकते हो। ये है कौवे। गेम का इकोसिस्टम इतना इमर्सिव है कि अगर तुम किसी मॉन्स्टर को मारते हो और उसको लूटते नहीं हो तो ऐसे कौवों का गुच्छा आकर के मॉन्स्टर को खाने लगता है। दे एक्ट एज स्कैवेंजर्स। जिन्होंने जुरासिक पार्क देखा होगा उनको रैप्टर्स का ये सीन याद होगा जुरासिक पार्क 3 में। वेपन्स नहीं है, भागना पड़ेगा।
इस गेम में स्टेल्थ का बहुत ही क्या कहते हैं उल्टा सीधा प्रभाव है, मतलब सामने ही आकर छुप जाओ, इन लोगों को पता नहीं चलेगा तुम कहां पर हो। हिटबॉक्सेस भी इतने बेकार है, वो तुमको खींच करके अपने स्टेल्थ से बाहर निकाल रहे बट फिर भी उनको पता नहीं चल रहा। बट एनी हाउ अब वो जा चुके हैं, अब यहाँ से निकलना है, लेकिन रास्ता किधर है? Nothing can stop us. ये में फॉल डैमेज नहीं है। अच्छा एक और चीज, तुम जो ये ग्रीन कलर की लाइटें देख रहे हो वो कोई मैजिक नहीं है, वो बेसिकली है जैसे अपने फायर फ्लाइज होते हैं इस गेम में, इनका नाम है स्काउट फ्लाइज, और हम इनको ब्रीड करते हैं स्काउट फ्लाइज को। और स्काउट फ्लाइज जब भी तुम किसी ट्रैक पर आते हो, राइट, तुम जब भी ट्रैक उठाते हो और उसको स्मेल करते हो और स्काउट फ्लाइज को स्मेल करवाते हो, तो स्काउट फ्लाइज तुम्हें उस मॉन्स्टर का रास्ता दिखाते हैं। ये है कैप्टन छिपकली। और ये है अपने कमांडर। छिपकली का नाम है द ग्रेट जैगरास, और जैसे मैं प्यार से बुलाता हूं बड़ा जग्गू। इस गेम के सारे मॉन्स्टर्स रियल लाइफ से ही इंस्पायर्ड है, जैसे कि यह है छिपकली और यह है टीरेक्स, और टीरेक्स का नाम है एंजनाथ। थोड़ा सा हिंदी नाम लग रहा होगा एंजनाथ। तो यहाँ पर हम पहुँचते हैं अपने बसेरे पे, यानी कि अपने पहले चेक पॉइंट पे, हेडक्वार्टर्स जिसका नाम है अस्टेरा। यहीं पर तुम्हें अपने मिशंस मिलेंगे, तुम खाना पीना करोगे, गेम सेव करोगे और बाकी सब। Amazing, ain't it? Just look at this gate. It's like nature meant for us to build a stair right here. यार गेट को हटाओ, तुम पहले बताओ वो इतने बड़े बड़े दांत किस मॉन्स्टर के हैं? The rest of the fifth are already here. You're the last to arrive. Okay, set him down here. Take a nice. Leave the tape up your shoulder. Hold still for a bit. Hey, you guys made it. कोशिश करूंगा मैं इम्पोर्टेंट कटसीन्स में अपना वॉइस ओवर ना दूं, नहीं तो तुम्हें स्टोरी का कुछ पता नहीं चलेगा। वैसे इसकी स्टोरी है बकवास, लेकिन अगर हम बात करते हैं लोर के हिसाब से, इमेजेस और वीडियोस से या फिर पिक्चर स्टोरी टेलिंग वो लोग कितना कर सकते हैं, एनवायरमेंटल स्टोरी टेलिंग कितना कर सकते हैं, तो बहुत डीप लोर है मॉन्स्टर हंटर का। जैसे कि तुम देख सकते हो पीछे इतने बड़े बड़े दांत। अगर मुझे अंदाजा लगाना हो तो वो है हड्डिया दालमादूर की, जो मॉन्स्टर हंटर 4 पे था, एक बहुत बड़े सांप जैसा मॉन्स्टर। We've got it all here. We've got hunters to do all the exploring, scholars to do the research, technicians to keep them going. This place is the beating heart of the commission. Wait here a sec.
Commander, I found him. Welcome to Astera. और ये है हमारे कमांडर। पूरे गेम में किसी भी कैरेक्टर्स के नाम नहीं है। यूजुअली इनके रैंकिंग से ये लोग पूरा गेम इनको अपने रैंकिंग से डिनोट करता है। तो डायलॉग्स पढ़ लेते हैं। When you have been in command as long as I have, you start to learn who's capable and who isn't. Now, as much as I would like to get you up to speed, I'm being pulled in about 8 directions at once. Well, come over the important matters at council. We'll cover the important matters at council, which I'll be conveying once things settle down. कोशिश करूँगा कि कमांडर की आवाज़ में बोलने को। I expect you two to be there, of course. Your reputations precede you. The guild spoke highly of you as individuals. Think what you can do as a team. And before I forget, your furry friend was looking for you. Poor thing washed up not too long ago. Go ahead and have a look around Astera. A horn will sound when it's time for the council. Well, off you go. Well, off you go. Okay, I'll give you the grand tour. Let's start by looking for your palico. This is our stockpile. They carry most of the basic necessities. You should drop by later to see what they have. उस वॉइस ओवर से मेरा गला दर्द करने लग गया, पर क्या करे, दर्शकों को एंटरटेन करने के लिए करना पड़ता है। Next is the smithy. It's this way. अच्छा, जो अपने बांकड़ बिल्ले का नाम था, उसकी प्रजाति को कहते हैं पैलिकोस। कहने के लिए हैं वो बिल्ले, बट इस गेम के यूनिवर्स में उनको कहा जाता है पैलिको। The old man in charge, my grandfather, was with the first. That was a long time ago. Me? I'm not with any fleet. Born and bred right here. Never even been to the old world. तो ये जो फ्लीट और कमीशंस वगैरह की बात चल रही है, तो बेसिकली ये लोग कौन है कि कमीशंस कहने के लिए तो एक बहुत बड़ी संस्था है जो लोग मॉन्स्टर पर कोट ऑन कोट रिसर्च करते हैं। ये है अपने वेपन्स का एरिया जहाँ पर हम वेपन्स वगैरह क्राफ्टिंग कर सकते हैं। पूरे गेम में तुम्हें बताऊँ 14 डिफरेंट तरह के वेपन्स हैं, तो तुम्हें अकेला फील नहीं होगा अगर तुम अपना नया खुद का प्ले स्टाइल ढूंढना चाहते हो। कुछ ना कुछ तो ऐसा वेपन होगा जिससे तुम रेजोनेट करोगे। तो मैं एक बार वेपन्स दिखा दूँ। शायद अभी अनलॉक नहीं है। कहाँ था मैं? हाँ, फ्लीट्स के बारे में। तो कमीशंस बेसिकली क्या है, एक बहुत बड़ी संस्था है जो मॉन्स्टर पर कोट उन कोट रिसर्च करते हैं। रिसर्च का मतलब समझ सकते हो क्या है, और फ्लीट का मतलब यह है कि हर 10 सालों में ये लोग अपनी एक फौज भेजते हैं, राइट। और जो फर्स्ट फ्लीट है वो है पहली फौज जो सबसे पहले न्यू वर्ल्ड पे आए थे, और हम है फिफ्थ फ्लीट, मतलब पाँचवीं फौज, राइट। तो इस बंदे के जो चचा जी नहीं दद्दा जी, ग्रैंडफादर जो है, वो थे फर्स्ट फ्लीट के, जो कि है अपने कमांडर। इस बंदे के पीठ में जो तलवार है वो है ग्रेट स्वॉर्ड, वन ऑफ द टफेस्ट वेपन इन द गेम। दिस हियर इज आवर कैंटीन। और ये है अपने बांकड़ बिल्ले। यार वो कटसीन देखने के बाद लगता है काश वो बिल्ला मैं होता। समझने वाले समझ गए। Right. They're calling for a council. Come on. Yeah.
Now that you are all here, let us begin council. After tracking a migrating Elder Dragon across the sea, the Fifth Fleet have finally arrived in Astera. Give them a warm welcome. They're a fine group, worthy comrades who will help see the Research Commission's long efforts finally rewarded. Would you like to say a few words? Thank you, sir. We're ready to roll up our sleeves and get our hands dirty. This here is the Commission's core team. You should all get to know each other. Looking forward to it. Now, down to business. The latest monster to make the Elder Crossing is known as Zora Magdaros, a huge monster with a mountain of fire upon its back. वो जो लावा वाला मॉन्स्टर था जिसने पूरी पहाड़ी अपने पीठ में बिठा रखी थी, उसका नाम था ज़ोरा मैग्डरोस। और गेम के लोर के हिसाब से उसका साइज जो है वो गॉडज़िला से ज्यादा बड़ा है। रिसर्च कमीशन्स जॉब इज टू डिस्कवर एग्जैक्टली व्हाई द एल्डर ड्रैगन्स आर माइग्रेटिंग टू द न्यू वर्ल्ड। और ज़ोरा मैग्डरोस एक एल्डर ड्रैगन है। Elder dragons have been with us since the dawn of time, altering the ecosystem, reshaping the land, leaving disaster in their wake. Technically, Bhagwan. Once every decade or so, they flock to this continent. But for what reason? अगर वो है भगवान, तो हम है God Slayer. With the fifth's help, we will find the missing link. Hear, hear. Now we're talking! Hunters, for the time being, I need you to focus on investigating our Jagras problem and securing Astera. Start by investigating the Jagras' habitat. Find out what makes him tick, and we'll go from there. Right. We're on it, sir. Everyone else, you know the drill. Make sure these hunters have everything they need. Now we're talking! You two, make it a priority to learn how we do things around here. You'll find good teachers, so don't be afraid to ask. You heard him. Stick with me and you'll have no problems. The fifth banner. बात तो ऐसी कर रहा है जैसे सारे हंट यही करेगा. It's your job to fulfill that promise. All right. Dismissed. ठीक है, अब आ चुके हैं मैनुअल डायलॉग्स पे, तो कोशिश करूंगा इसकी आवाज में पढ़ने का. Not even here a whole day and already got your first mission. You really are ready to get your hands dirty. Well, let's go look into the Jagras problem. But you need a weapon first. Over here. There's a box full of equipment you can use in your quarters. Come on, I'll show you the way. तो यार ये अभी लेके जा रहे हैं हमें अपने क्वार्टर को. अब ये है हमारा क्वार्टर. इसका हाल तो मेरे हॉस्टल से भी बुरा है. इस पूरे गेम में तुम्हारे नौकर चाकर सिर्फ बिल्ले रहेंगे. We've placed some basic gear for you in that equipment. ये है हमारे बाकड़ बिल्ला. Make sure to choose a weapon that suits you. और ये है हमारा इन्वेंटोरी बॉक्स. घुस के देखते हैं. तो यहां से हम अपीयरेंस चेंज कर सकते हैं, वेपन्स चेंज कर सकते हैं, बाकी सब चीजें. तो करेंगे अभी चेंज इक्विपमेंट. ओके, ट्यूटोरियल खत्म करते हैं क्योंकि मैं तुम्हें ट्यूटोरियल बताऊंगा. तो गेम में टोटल 14 डिफरेंट टाइप्स के वेपन्स है. ओके, तो इसमें से जो रेंज्ड वेपन है वो है तुम्हारा बो, तुम्हारा आयरन एसल्ट जो है हैवी बोगन, और चेन ब्लेस्ड वन जो है लाइट बोगन. तो मैं यूजुअली रेंज वेपन नहीं खेलता. मैं मर्दों की तरह फेस टू फेस मुकाबला करने में बिलीव करता हूँ. तो मैं जो वेपन्स यूज़ करूँगा वो है ग्रेट सोर्ड, लॉन्ग सोर्ड, स्वॉर्ड एंड शील्ड कभी कभी, ड्यूअल ब्लेड्स वन ऑफ माय फेवरेट वेपन्स, बहुत ही इजी और बहुत ही क्या कहते हैं, मतलब यूज़र फ्रेंडली वेपन्स है. अगर तुम पहली बार मॉन्स्टर हंटर खेल रहे हो तो ड्यूअल ब्लेड्स के साथ अगर शुरू करते हो तो बहुत ही आसान वेपन है. हैमर इतना नहीं, चार्ज ब्लेड वन ऑफ द टफेस्ट वेपन्स है गेम का और मुझे पर्सनली बहुत पसंद है. स्विच एक्स, ये भी वन ऑफ द बेस्ट वेपन्स है गेम का. अगर तुम मॉन्स्टर के इर्द गिर्द जानते हो तो.
और ये है गन लैंस और लैंस। बहुत ही स्लो हिटिंग वेपन्स है जो डिफेंसिव प्ले स्टाइल पर ज़्यादा फोकस करते हैं, तो इन वेपन्स को मैं इतना टच नहीं करूँगा। यह है हंटिंग हॉर्न। हंटिंग हॉर्न यूजुअली बहुत सारे लोग अवॉइड करते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि हंटिंग हॉर्न से सिग्निफिकेंटली हंट कर सकूँ मैं, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है मुझे हंटिंग हॉर्न यूज़ करने में, नोट्स वगैरह प्ले करने में, एक बहुत ही मेलोडिक तरीके से अपने दुश्मन की हत्या करने में। और यह है इंसेक्ट ग्लेव। इंसेक्ट ग्लेव इस गेम का सबसे ज़्यादा वर्टिकल मूवमेंट वाला वेपन है, और इंसेक्ट ग्लेव को सपोर्ट करने के लिए है हमारे पास दो इंसेक्ट्स, राइट, कॉल्ड्रोन और मॉल्ड्रोन। तो इंसेक्ट ग्लेव अगर तुम यूज़ कर रहे हो तो इन दोनों में से किसी एक ना एक कीड़े को अपने साथ ले जाना ज़रूरी है, क्योंकि इंसेक्ट ग्लेव के पावर ऑफ जो है वो इन कीड़ों की वजह से आता है। तो मैं कोशिश करूँगा कि अपने गेम के हर हंट को एटलीस्ट चार वेपन्स यूज़ करके ख़त्म करूँ। वो है ग्रेट सॉर्ड, लॉन्ग सॉर्ड, चार्ज ब्लेड और इंसेक्ट ग्लेव। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि अभी अगर मैं पहले हंट में जाऊँगा जो मेरा पहला मिशन होगा, तो उसको मैं कोशिश करूँगा कि ग्रेट सॉर्ड, लॉन्ग सॉर्ड, चार्ज ब्लेड और इंसेक्ट ग्लेव से ख़त्म करने के लिए। अगर मेरे पास ज़्यादा टाइम बचता है तो मैं ड्यूअल ब्लेड्स भी यूज़ करूँगा और कभी कभी हंटिंग हॉर्न भी यूज़ करूँगा। राइट, तो शुरू करते हैं मेरे फेवरेट वेपन से, जो है ग्रेट सॉर्ड। ग्रेट सॉर्ड कहने के लिए तो थोड़ा मुश्किल वेपन है खेलने के लिए, लेकिन एक बार हाथ लग गया तो डैमेज के जो नंबर्स है वो बड़े रसीले आते हैं। तो लेट्स टेक द ग्रेट सॉर्ड, क्योंकि पहला हंट तो नहीं है ये, ट्यूटोरियल मिशन है, तो मैं कोशिश करूँगा। चलो ग्रेट सॉर्ड नहीं, मैं उठाऊँगा लॉन्ग सॉर्ड। लॉन्ग सॉर्ड नहीं, कैसे? ओके, लॉन्ग सॉर्ड। वंस यू आर डन, गो मीट अप विद योर हैंडलर, अपनी हैंडलर जो वो लेडी मिली थी हमें शिप पे, इन द कैंटीन टू साइन अप फॉर अ क्वेस्ट। ओके, तो चलते हैं हम कैंटीन पे। गेम का एनवायरनमेंट देखो यार, कितना डिटेल्ड है। पूरा इकोसिस्टम बना रखा है यहाँ पर, पूरी कॉलोनी बसा रखी है, हर एक मैकेनिज्म, पूरे एस्टेरा का चालन चलन। और ये लोग यूज कर रहे हैं इस बहुत बड़े से वाटर फाउंटेन की एनर्जी। इसी काइनेटिक एनर्जी को ये लोग कन्वर्ट करते हैं हीट एनर्जी पे, जो यहाँ पर आते हैं वेपन्स वगैरह के जो मिस्त्री है वो लोग यूज़ करते हैं। ओके, कभी भी अगर किसी कैरेक्टर के ऊपर येलो निशान लगे तो हो सकता है उसके पास कुछ नया बताने के लिए हो, शायद कुछ नया वेपन या फिर शायद कोई नई मिशन। तो देयर यू गो न्यूकमर, यू लुक अ लॉट मोर हंटरली विद अ वेपन ऑन योर बैक। दिस इज द आर्मरी, वी डील इन रेडीमेड वेपन्स एंड आर्मर्स। If you need a weapon ASAP and don't have time to gather the materials, we are your ticket. Okay. तो यहाँ पर तुम नए weapons purchase कर सकते हो, armor purchase कर सकते हो, चीज़ों को बेच सकते हो, जो कि मैं अभी नहीं करना चाहूँगा। तो Defender A, ये था, ये है हमारा armor। तो अभी जो मेरे पास है वो है leather armor, जिसका defense है 2, कतई हगास। चेन मेल फिर भी ठीक है, और डिफेंडर ए का जो डिफेंस है वो है 50। ये है डीलक्स एडिशन के फायदे, लेकिन मैं यूज नहीं करूंगा। तो लेट्स गो पहले मिशन के लिए, और या फिर मैं कहूँ पहले हंट के लिए। यार मुझे अपने ऊपर का ये हेडबैंड अच्छा नहीं लग रहा, वो मैं बाद में उतारूंगा, पहले करते हैं हंट। फ्रॉम नाउ ऑन यू आर माई हंटर एंड आई एम योर हैंडलर। I'm the bread to your butter, got it? अब
रियल लाइफ में ऐसा कोई बोल दे तो मैं तो वहीं पिघल जाऊंगा, बट ठीक है। द फिफ्थ फ्लीट्स मिशन इज टू सर्वे द जैगरास हैबिटेट, देन वी गेट अ कल अ सर्टेन नंबर ऑफ देम इन ऑर्डर टू सिक्योर द एरिया। यहाँ पर किल को अच्छे से कल बोला गया है, इतनी सेंसरशिप भी क्या ज़रूरी है। वी कैन डिपार्ट एज सून एज यू साइन अप फॉर द जैगरास ऑफ द एंशिएंट फॉरेस्ट क्वेस्ट। यू रेडी? यस, आई एम रेडी। A wild and wondrous new world is waiting for us out there. Let's go. तो ये है हमारे assigned quest, Jagras of the Ancient Forest. Let's go. हाँ, एक और चीज, इस गेम का एक बहुत ही peculiar mechanic है, तो शेफ से बात करके देखते हैं। यहाँ का शेफ भी बड़ा बिल्ला है और इसका नाम है Meowscular Chef. Nice. Aye, welcome to the canteen, the best place for you to boost your hunt. You're from Fifth Fleet, right? Well, let me clue you in what the canteen is all about. Gains, health, stamina, okay. Whatever max gains. Go on and sit down over there at the counter, scrawny. पायरेट की तरह बोलता है ये। When you're ready to get your pre-hunt on, let me know. इसका कहने का मतलब है pre-workout. Okay. वैसे पैसे कम है अपने पास, जैसे कि तुम यहाँ पर देख सकते हो, मनी है हमारे पास 100 ज़ी, जिसका नाम, इसका मतलब है 100 ज़ेनी। बट कोई दिक्कत नहीं, हर हंट में हमें पैसे रिवॉर्ड में मिलते हैं, जिससे हम कंटिन्यूसली अपने पेट को पल सके। तो मैं जाता हूँ यूजुअली मीट प्लेटर के साथ, क्योंकि थोड़ा सा अटैक बूस्ट मिलता है यहाँ पर पे। सो लेट्स गो फॉर मीट प्लेटर। ऑर्डर दिस मील। कटसीन को तुम स्किप कर सकते हो, लेकिन क्योंकि ये पहला प्ले थ्रू है, मैं कटसीन दिखाना चाहूँगा। मैं गारंटी देता हूँ बंगाली लोग भी मछली ऐसे ही खाते होंगे। खैर, चलो चलते हैं हंट पे। All right, this is our first job. Let's do a quick review of quest rules. Rule number one. Complete the objective to complete the quest. Easy, right? Easy. जाकर मेरे साथ मैदान में लड़ना। Each quest has an objective. You can't consider the quest done until you complete that objective. अच्छा। Our current objective is to eliminate a specified number of Jagras. Let's check the map. कहने के लिए specified number है, लेकिन तुम पूरे colony को उड़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। The small monsters, remember? I think we saw them somewhere around here. Want to check it out? Of course. Rule number two. Use the commission supplies us with a loadout of certain items for each quest. They're in the supply box over there. Have a look and decide what you should take along. तो यार ये है supply box अपना। तो जब भी कोई quest शुरू करते हो, यहाँ पर शुरू में तुमको कुछ items वगैरह मिलेंगे, जैसे कि easy ration और easy first aid med kit. तो basically ये potion और तुम्हारे stamina recover type का है। ठीक है, तो यहाँ पर तुम देख सकते हो, यहाँ पर तुम्हें मिलेगा पोशन, राइट, और एंटीडोड, रेशन, यह है तुम्हारा कैप्चर नेट जिसका फंक्शन मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, यह है फिशिंग रॉड और यह है BBQ स्प्लिट्स, इसके भी फंक्शन मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। ओके, ठीक है, बी केयरफुल। तो यह है एंजल, नॉट एंजनाथ, ये है एप्टनोस। तो एक को खत्म करते हैं। तो जब भी तुम किसी मॉन्स्टर को खत्म करते हो, ये तो बहुत ही मतलब स्मॉल स्केल का मॉन्स्टर था, तो बहुत जल्दी खत्म हो गया, तुम उसको लूट कर सकते हो और इस लूट को तुम बारबेक्यू बना के खा सकते हो। ठीक है, तो जैसे कि मैंने लूट किया, राइट, और ये है
अपना बारबेक्यू स्प्लिट्स, ठीक है? तो अगर मैं टाइमिंग इज एवरीथिंग, द कलर ऑफ द मीट एंड द सॉन्ग आर क्लूज. नाइस, दैट लुक्स सो टेस्टी. तो अगर तुम म्यूजिक को नोटिस करोगे ना, तो तुम्हें पता चलेगा कि बहुत ही स्पेसिफिक टाइमिंग पे तुम्हें अपना बारबेक्यू हटाना पड़ेगा. तुमने ज़्यादा पहले हटा दिया तो मीट सही से नहीं पकेगा, ज़्यादा बाद में हटा दिया तो मीट जल जाएगा, ठीक है? और जब भी तुम जितने भी तुम्हारे पास पीसेस ऑफ मीट है वो बारबेक्यू स्प्लिट में दिखेंगे. अभी 4 बता रहा है, देख सकते हो यहाँ पे, क्योंकि मेरे पास 4 पीसेस ऑफ मीट है, राइट? और ये है रॉ मीट, रेशन, और ये है वेल डन स्टेक, ठीक है? और जैसे मैं वेल डन स्टेक पे देख रहे हो, अगर मैं कर्सर रख रहा हूँ वेल डन स्टेक पे, राइट, तो ऊपर येलो बार पे, मेरे स्टैमिना बार पे, तुम देख सकते हो थोड़ा सा ब्लिंकिंग हो रहा है. इसका मतलब ये है कि अगर मैं वेल डन स्टेक खा लूँ तो मेरा मैक्सिमम स्टैमिना बार बढ़ जाता है. तो बहुत छोटे छोटे मैकेनिक्स हैं इस गेम के, ऐसे जो गेम तुम्हें कभी बताएगा नहीं, लेकिन ये मैकेनिक्स बहुत मज़ेदार रहते हैं. ऐसी छोटी छोटी डिटेल्स जो गेम्स की है वो उस गेम को और मज़ेदार बनाते हैं. तो ये है अपने स्काउट फ्लाइज, है ना? तो इन्होंने शायद कोई फुटप्रिंट ढूंढा है. नहीं, ओके, बेसिकली इसका पीछा करना है. Gather honey and mix it with a potion to make mega potions. हाँ, तो जब भी तुम्हें हनी मिले, अगर तुम इसको काटते हो, राइट, और अगर तुम्हारे पास ऑलरेडी पोशन के डब्बे हो, तो एक हनी और एक पोशन मिला करके एक मेगा पोशन बनता है, जो तुम्हें यहाँ मिलेगा, मेगा पोशन, राइट? यह है पोशन, यह है मेगा पोशन. Over here. अब इनकी बजानी है मुझे. अभी तुम समझे मैंने लॉन्ग सॉर्ड क्यों उठाया, क्योंकि उसका जो हंटिंग रेडियस है और तुम कह सकते हो जो हिटबॉक्स का जो रेडियस है वो बहुत ज़्यादा है, ताकि अगर मैं जागरास के बीच में फंस जाऊँ या फिर जग्गुओं के बीच में फंस जाऊँ तो अरे बाप रे, यही तो तुम्हारा जब हिट रेडियस ज़्यादा हो तो तुम ज़्यादा जैगरास को एक साथ मार सकते हो. और जैसे कि मैंने बताया था गेम में तुम एनवायरनमेंट का इस्तेमाल कर सकते हो. ये है कुछ फायर फ्लाइज, तो अगर मैं यहाँ पर हिट करूँ तो ये सब स्टन हो जाते हैं, देखा? लॉन्ग सोर्ड के मैं तुम्हें अभी मैकेनिक्स नहीं बताऊंगा, क्योंकि काफ़ी सारे मैकेनिक्स हैं लॉन्ग सोर्ड के. अगर बताने लगूंगा तो पूरा पहला एपिसोड ही इसमें निकल जाएगा. इनफैक्ट 4-5 एपिसोड सिर्फ मैकेनिक्स बताने में निकल जाएंगे. बट अगेन, जब तुम गेम खेलोगे, लॉन्ग सोर्ड के कॉम्बोज वगैरह सीखोगे, इनफैक्ट मेरे से बेटर वीडियोज़ है यूट्यूब में जो तुम्हें लॉन्ग सोर्ड के कॉम्बोज बताएंगे. अच्छा, एक और चीज़, जैसे ही क्वेस्ट ख़त्म होता है तुम जैगरास को लूट सकते हो, तो इनवल्नरेबिलिटी फ्रेम शुरू हो जाते हैं, तो तुम्हें कोई डैमेज नहीं मिलेगा जैसे ही क्वेस्ट ख़त्म होता है. और ऊपर जो तुम्हें टाइमर दिख रहा है वो होता है क्वेस्ट टाइमर, मतलब क्वेस्ट जैसे ही कंप्लीट होता है ना, तुम्हें लूटने वूटने का टाइम मिलता है, राइट? क्योंकि एक बार अगर क्वेस्ट ख़त्म हो तो थोड़ा टाइम भी तो चाहिए ना मॉन्स्टर को लूटने के लिए. देखो, इनको फिर से स्टन करके दिखाता हूँ. ये होता है एनवायरनमेंट का इस्तेमाल. काफी इजी क्वेस्ट था, बेसिकली ट्यूटोरियल मिशन था, वो बस वहां पर मरने के लिए ही खड़े थे. लेकिन इसके बाद के जो क्वेस्ट होंगे वहां पर मॉन्स्टर हमें हिट बैक करेगा, तब आएगा थोड़ा चैलेंज. गुड टू सी यू. फाइन वर्क टेकिंग डाउन दोज जैगरास. सो देयर इज नो डिफरेंस इन देयर हैबिटेट, बट देयर नंबर्स आर इंक्रीजिंग. आई सी.
may be stating the obvious, but the Jagras aren't the only danger lurking around these parts. We've also received reports of Castodon herd getting out of hand. This must be all because of Zora Magdaros' made landfall. It's got everything riled up. Listen up. Well, it's going to be your job to quiet them down. We'd like you to investigate this Castodon herd and call their numbers. I'm going along. Wouldn't want you to get hurt. अच्छा वो फील्ड टीम लीडर की आवाज थी. ओके. यू कैन डिपार्ट ऑन क्वेस्ट विद अदर प्लेयर्स वाया ऑनलाइन सेशंस. टर्न ऑन योर वॉइस चैट फंक्शन नाउ. यू कैन चेंज योर वॉइस चैट सेटिंग्स लेटर इन द ऑप्शन मेन्यू. नहीं, चिंकियों के साथ बात नहीं करनी मुझे. Listen up. There's something important I need to talk to you about. This commission is special, different from your past undertakings. If I had to take a guess, it's not about hunting down the Elder Dragons or punishing them for the damage they cause. The commission seeks an understanding of their place in nature and ours. That's the point. यार ये तो बाद में पता चलेगा. The Elder Dragons are nature, and it's as futile to try and punish nature as it is to run from it. Now that's hunting. But knowing nature, now that there's something we can do. We're going to face some real challenges. The best course might not always be clear. What this world needs. But before you take life or move to defend it, understand it. That's what makes you a hunter. यार ये बहुत अच्छी बात कही है इसने. जिंदगी लेने से पहले या जिंदगी बचाने से पहले तुम्हें जिंदगी को समझना पड़ेगा. बहुत अच्छी बात है. ओके, चलते हैं स्मिथी के पास, क्योंकि हमारी हैंडलर ने कहा है कि कुछ नए मटेरियल्स हमने इकट्ठे किए हैं जो हम नए वेपन्स वगैरह बनाने में यूज़ कर सकते हैं या फिर नए आर्मर्स बनाने में. हु नोस. इनसे बात कर लेते पहले. एयरशिप इंजीनियर. So the fifth has arrived. Greetings. Greetings there. I am the airship engineer with the second fleet. तो ये वो बंदा है जो second fleet में, मतलब 20 साल के gap के अंदर new world में आया था. I work on flying machines, airships, and what have you? I'm sure you're curious about why you haven't met a member of the third yet. That's because they have all been stranded for years. It wasn't long after the scholars from the third landed before they insisted upon crossing the Great Ravine. Great Ravine एक location का नाम है जो पूरे game में तुम्हें बाद में पता चलेगा. So they got their ship converted into an airship and off they went. It was going well until just after they crossed the ravine, a flying monster attacked their airship and grounded them. Sure, they were reckless to go, but seeing as I am the man who put them in the air, I can't help but feel partly responsible for it. Ever since then, I've been working on making a better airship, one that we could use to go rescue them. But between the new world's nasty weather and the strong winds hurtling down the ravine, it's been one failure after another. Still, you won't catch me calling it quits. तो यार उनकी एयरशिप क्रैश हुई जो है थर्ड फ्लीट. यह है सेकेंड फ्लीट मास्टर जो है हमारे स्मिथी, या हिंदी में कहे तो लोहारी. Look who's back with materials. Step right up and welcome to the smithy. You've been needing my service a lot. What I do for you is simple. Whenever you go out in the fields and gather materials, I turn those materials into weapons and armor. Drop by whenever you find something new and interesting. Here, I'll give you some materials as welcome present. You can use them to upgrade your equipment.
ओके तो यार जब भी हमारे पास कोई नया वेपन हो, कोई क्या कहते हैं, कोई नया आर्मर या फिर कुछ भी हो, हमें वो अपग्रेड करना हो या फिर नया वेपन्स और आर्मर्स बना रहा हो, तो हम स्मिथी के पास आकर वो करेंगे। तो इस एग्जांपल में ट्यूटोरियल स्किप करो यार, मैं बता रहा हूँ यहाँ पर ट्यूटोरियल, ठीक है। तो इस एग्जांपल में मैं करूँगा अपना वेपन अपग्रेड। हाँ, जिस भी वेपन के नीचे ई लिखा हो, इसका मतलब ये है कि तुमने वो वाला वेपन इक्विप कर रखा है, राइट। तो अगर मैं इस वेपन में जाऊँ और मेरे पास अपग्रेड अवेलेबल है जो है आयरन ओर, तो मैं इस वेपन को करता हूँ अपग्रेड। यस, अलग ही जोसाए हुए रहते हैं ये सब के सब। तो यार ये हो गया अपना वेपन अपग्रेड। तुम चाहे तो नया वेपन क्राफ्ट भी कर सकते हो। जो मेरा फेवरेट है वो है डिफेंडर ट्री, ठीक है, क्योंकि डिफेंडर ट्री में थोड़ा ज़्यादा डैमेज रहता है यूजुअली ओर ट्री से। तो अगर देखोगे तो कि डिफेंडर ट्री का जो पहला वेपन है उसका डैमेज है 429 और ओर ट्री का जो पहला डैमेज है, पहला वेपन है उसका डैमेज है 264। तो मैं यूजुअली कोशिश करता हूँ कि डिफेंडर ट्री के साथ ही शुरू करूँ, राइट। तो मैं क्या करूँगा, इंस्टेड ऑफ वेपन बनाने से मैं क्या करूँगा, वेपन खरीदूँगा यहाँ से, राइट, परचेस वेपन्स। तो मेरे को चाहिए एक ग्रेट स्वॉर्ड, बस्टर स्वॉर्ड, शायद यही है डिफेंडर या नहीं, आयरन कटाना, बोन शॉटल, डिफेंडर ट्री से ही आई गेस यही से हमें वेपन क्राफ्ट करना पड़ेगा क्योंकि डिफेंडर वेपन खरीद नहीं सकते। फोर्ज इक्विपमेंट, वेपन्स, ग्रेट स्वॉर्ड, और हम करेंगे डिफेंडर ग्रेट स्वॉर्ड। उसके लिए हमें चाहिए आयरन ओर। अब ये आयरन ओर क्या है बताता हूँ, आयरन ओर क्या है, जब भी हम किसी भी मिशन पर जाते हैं ना, तब उस एनवायरनमेंट के अंदर हमें काफ़ी सारी चीज़ें मिलती है, ओर से लेकर के स्पेशल आइटम से लेकर के सब कुछ। Hey there, partner. Oh, and I've got some good news. We handlers post all the leads we find up on the quest boards. You can sign up for the quest there too, so you don't always have to come all the way up here, okay? But then again, you might miss out on the eats up here. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारे दो quest boards, एक जो पहले स्मिथी के सामने था और दूसरा जो एकदम एंट्रेंस गेट पर था। ऑलराइट, देखते हैं कौन सा क्वेस्ट है हमारे पास। हाँ, एक और चीज, पोस्ट न्यू क्वेस्ट का मतलब है कि तुम खुद के लिए क्वेस्ट पोस्ट कर रहे हो। जॉइन ए क्वेस्ट का मतलब है कि जो भी ऑनलाइन प्लेयर्स वगैरह है, जैसे कि अवेलेबल क्वेस्ट और रिस्पॉन्स टू SOS, जो बताऊंगा मैं क्या होता है। अवेलेबल क्वेस्ट का मतलब है किसी भी प्लेयर का अगर कोई क्वेस्ट है जो वो करेंटली कर रहा है, जैसे कि मैं असाइन में गया, जैसे कि ये प्लेयर है जो कैस्टरडॉन का क्वेस्ट कर रहा है, जो मैं कर रहा हूँ, और ये प्लेयर यूज़ कर रहा है डिफेंडर पावर बो, राइट। तो तुम इसको ज्वाइन कर सकते हो, राइट। मैं ज्वाइन नहीं करना चाहूँगा क्योंकि सोलो प्ले थ्रू करना है मेरे को और क्वेस्ट इतना कठिन भी नहीं हुआ अभी तक कि मैं किसी और का क्वेस्ट ज्वाइन करूँ। रिस्पॉन्ड टू SOS का मतलब है कि प्लेयर ने मैदान में पहुँच करके एक SOS सिग्नल भेजा, यानी कि ज्वाइन द क्वेस्ट सिग्नल भेजा, राइट। सर्च फॉर SOS प्लेयर करने पर तुम्हें ऑप्शंस दिखेंगे। असाइन में अभी कुछ है नहीं, अभी सिर्फ एक्सपेडिशन में है और यह है एंशिएंट फॉरेस्ट एक्सपेडिशन। तो ज्वाइन नहीं करना मेरे को क्योंकि सोलो प्ले थ्रू करना है फिलहाल। तो मैं करूँगा पोस्ट न्यू क्वेस्ट, राइट। जब भी तुम पोस्ट करोगे तब बाकी के जिस सर्वर में भी तुम हो वहाँ पर वो क्वेस्ट पोस्ट हो जाएगा और दूसरे प्लेयर तुमको ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैं जाऊँगा असाइन में और हमें करना है कैस्टरडॉन प्रेफर। सो लेट्स गो, राइट। अभी किसी चीज की जरूरत है नहीं, तो कोशिश करना जब भी तुम गेम शुरू कर रहे हो सिर्फ हंट्स पे ध्यान ना दो, कोशिश करो एनवायरनमेंट को डिस्कवर करने के लिए। कोशिश करो कि एनवायरनमेंट में जितने भी रहस्य वगैरह छुपे हुए हैं उसको हासिल करने के लिए, राइट। ये देखो यार, ये है हर्ब्स, इसको कलेक्ट करोगे तो तुम्हें पोशंस मिलेंगे।
तो सबसे पहले जो हमें, अरे क्या हुआ, ओके, पहले सबसे पहले जो हमें मिले थे वो है एप्टनॉथ, जो है पैरासोरल ऑफिस के डिज़ाइन पर बेस्ड, और अभी अभी जो है हमारे पास है कैस्टडॉन। कैस्टडॉन जो है वो पाकी सेफिलोसॉरस के डिज़ाइन पर बेस्ड है, अगर तुम डायनासोर पेंटर सकते हो तो, राइट। यह है मेल कैस्टडॉन्स जो साइज में बड़े होते हैं, और यह है फीमेल कैस्टडॉन्स। तो हमें हंट करने हैं 3 male, 5 female, लेट्स किल। यार इतनी ये तो मैं नहीं सहूंगा, ये भी नहीं सहूंगा। चलो एक गया, रोल आउट करो इसके रास्ते से और इसको पे लो। एक मेल एक फीमेल खत्म, एक और फीमेल खत्म कर देते हैं। ये देखो जो मैंने कहा था ना, हंट करने के बाद ये कव्वे आ जाते हैं। बहुत ही खूबसूरती से डेवलपर्स ने इसका इकोसिस्टम क्राफ्ट किया है, बिल्कुल रियल वर्ल्ड जैसा। हंट करने के बाद लूटना मत भूलना, ताकि तुम अपने वेपन्स, अपने आर्मर वगैरह अपग्रेड कर सको। एंडेमिक लाइफ का मतलब है ये छोटे जानवर, जैसे कि कव्वे हो गए, राइट। तो चलो अब थोड़ी डिस्कवरी पर चलते हैं। हेल्थ कम है मेरी, थोड़ा पोशन पी लूंगा। अच्छा तुम मेरे हेल्थ बार के नीचे देख सकते हो छोटा सा ब्लेड का आइकन है, जिसमें येलो कलर का एक मार्क बना हुआ है, वो है तुम्हारे ब्लेड की शार्पनेस। तुम्हारे ब्लेड की शार्पनेस जो है ना, जितना तुम ब्लेड को यूज़ करोगे या फिर जितना तुम वेपन को यूज़ करोगे, उसकी शार्पनेस उस हिसाब से बढ़ेगी और घटेगी, ठीक है। तो जब भी शार्पनेस घटती है, तुम्हारे पास एक डिफ़ॉल्ट आइटम होता है जिसको कहते हैं वेट स्टोन, और अगर तुम इसको यूज़ करते हो तो ये 4 बार अपनी ब्लेड घिसेगा और तुम्हारी शार्पनेस जो है वो फुल हो जाएगी, जो ही जो अपने इधर पे आ गई ग्रीन शार्पनेस पे, राइट। हमारे स्काउट फ्लाइज हमको रास्ता दिखा रहे हैं अभी, चलो इनका पीछा करते हैं। Over here. आ रहा हूँ भाई, एक सेकेंड। तो यार ये है और ज्यादा कैस्टडॉन्स, बहुत इंटरैक्टिव टेरेन है इसका, तुम्हारे मूवमेंट्स के साथ वो रिएक्ट करेगा। अरे यार नहीं, मैंने भी फोरसाइट किया, फोरसाइट का मतलब है जैसे ही, अरे यार वेपन की धार खत्म होने पर यही होता है, वेपन बाउंस होने लगती है इनकी मोटी चमड़ियों से। यार देख रहे हो तलवार की शार्पनेस कितनी जल्दी खत्म हो रही है, इसलिए जरूरी होता है शार्पन करना जब भी मौका मिले तो। अपना बिल्ला इसको संभाल रहा है। Anyhow. Wait. Hey, come here. I think I found something. Just a minute, boss. पहले लूट लूं। जब ये रेड कलर का मार्कर दिखे ना, तो समझ लेना मैप में सबसे पहले तुम्हारा जो ऑब्जेक्टिव पॉइंट है वो वही रेड कलर का मार्कर है। फुटप्रिंट्स, लुक एट दोस कैस्टडॉन, समथिंग्स अप विद देम। अरे बाप रे, यह है ग्रेट जग्रास।
प्यार से कहे तो बड़े जग्गू। All right, partner. New assignment incoming. Take down that great Jagras. If you're not ready, you can return to base and अभी हमें बड़े जग्गू का मर्डर करना है, तो सबसे पहले अपनी ब्लेड को शार्प कर लेते हैं। If you need to call your friends for help, go to the menu and select SOS flare to signal. हाँ, SOS फ्लेयर सिलेक्ट करने के लिए तुम बेसिकली क्या कर सकते हो ना, अपने रेडियल मेन्यू पे जा सकते हो और नीचे कहीं ना कहीं तो तुम्हें SOS का ऑप्शन मिल जाएगा। मैं अभी नहीं करूँगा क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं है। तो जैसे कि मैंने पैरों के निशान इकट्ठे करे अभी, तो क्या करेंगे, मेरे स्काउट फ्लाइज जो है उनको सूंघ करके मुझे रास्ता दिखाएंगे कि वो पैरों के निशान किस जानवर तक लेके जाते हैं। यह है विग्ली लीच, इसको खाने से स्टैमिना बढ़ता है। अपना बंदा लिटरली बेयर ग्रिल्स है। ओके, दो तरफ से आगे बढ़ के देखते हैं और फुटप्रिंट्स, स्किड मार्क्स। ओके, we've tracked the great Jagras enough for the scout flies to lead us to it. कोशिश करना कि एनवायरनमेंट में जो भी तुम्हें उल्टी सीधी चीज़ें दिखे ना, जैसे कि नीडल बेरी वगैरह हो गए, ऐसे प्लांट से चीज़ों को इकट्ठे कर लिया करो, क्योंकि अगर तुम क्वेस्ट के बीच में नहीं करोगे तो ऐसा वक्त आ जाएगा कि तुम्हें अलग से ही एक्सपीडिशन लेकर के सिर्फ इन्हीं चीज़ों को इकट्ठा करने के लिए वो सब काम करने पड़ेंगे, राइट? ये है रेड पेट, मैं करता हूँ इसको कलेक्ट। Less likely to lose sight of a monster if you use the focus camera. तो यार ये है हमारे great jagras. Usually docile होते हैं, तो मैं क्या करूँगा, environment का use करूँगा और अपने clutch claw से इसके ऊपर पत्थर गिराऊंगा, right? फिर मैं क्या करूँगा, clutch claw से aim करूँगा इसके सर पे और attack button दबाऊंगा। तो long sword क्या है ना, एक light weapon है, तो इससे अगर हम दो बार ऐसे सॉफ्ट कर दे इससे क्या है ना, इसकी चमड़ी सॉफ्ट हो जाएगी और उसके बाद क्या होगा ना, हमारा एक तो डैमेज ज्यादा लगेगा और हमारी शार्पनेस भी धीरे कम होगी। अरे यार हिट पड़ गया। सही टाइम पे अगर तुम फोरसाइट स्लैश मारते हो तो वो तुम्हारा इनवनरेबिलिटी फ्रेम काउंट होता है। अरे यार बड़ा डैमेज मिस हो गया। ये देखो, सही टाइम पे फोरसाइट स्लैश मारा तो इनवनरेबिलिटी फ्रेम आ जाता है और इससे तुम अपना रेड गॉज बढ़ा सकते हो, जो ऊपर स्पिरिट गॉज दिख रहा है ना लॉन्ग स्वॉर्ड का, और ये है बड़ा डैमेज। बहुत ज़्यादा डैमेज दोगे तो मॉन्स्टर स्टन हो जाएगा। मैं चढ़ जाऊंगा ऊपर और इसको थोड़े से एयरबोर्न अटैक्स करने की कोशिश करूंगा। इससे पहले ब्लेड शार्प करूंगा, तब तक बांकड़ बिल्ला छिपकली को संभालेगा। हटो यार, पास आओ। ऐसा, ये गया बड़ा डैमेज और ये हुआ स्टन। छटपटाने लगा दोस्तों, चांसेस है कि शुरू में अगर तुम खेलो तो इतनी जल्दी मॉन्स्टर ना छटपटाए। वेपन्स की एक बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए ये सब जानने के लिए, अगर तुम वेपन को पूरा एफिशिएंटली यूज करना चाहते हो तो। हाँ, एक और चीज, अभी तुम देखो मेरी स्लिंगर पे रेड पिट करके एमो का नाम लिखा हुआ है, वही चीज वही फल जो मैंने पहले उठाया था। मैं क्या करूंगा ना, इसके फेस पर लपक जाऊंगा और मैं इसको ऐसे घुमा सकता हूँ और जैसे ही घुमा के मैं रेड पिट को मारूंगा इसकी तरफ, तो सामने वो दीवार से टकरा जाएगा और दीवार से टकरा कर वो एक और बार स्टन खा जाएगा। ऐसा तुम हर मॉन्स्टर के साथ कर सकते हो और ये मॉन्स्टर खत्म।
report to the old man. Right. तो इसको हम करेंगे अभी हार्वेस्ट. तो यार ये मैंने सिखाया तुमको कि लॉन्ग सोर्ड से जागरास को कैसे मारे है ना. अब मैं कोशिश ये करूँगा कि ग्रेट सोर्ड से या फिर डुअल ब्लेड से चार्ज ब्लेड से सेम हंट फिर से करेंगे लेकिन एक दूसरे वेपन के साथ, ताकि हर वेपन के बारे में मैं तुम्हें थोड़ा थोड़ा बता सकूँ. क्योंकि ये सिर्फ एक प्ले थ्रू ही नहीं, मैं चाहता हूँ कि और ज़्यादा लोग इस गेम को खेले है ना. गेम का एक और मैकेनिक है जो शायद मैंने इसमें बताया नहीं है कि तुम मॉन्स्टर के पार्ट्स को काट सकते हो. बेसिकली अगर तुम पूंछ पर बहुत ज़्यादा बार अटैक करोगे ना, तुम उसके पूंछ को अलग कर सकते हो उसके शरीर से और उसको अलग से लूट भी सकते हो, मतलब एक्स्ट्रा ड्रॉप्स. ऐसी काफ़ी सारी मैकेनिक्स है जो तुमको ये गेम बताता नहीं है, लेकिन धीरे धीरे जब तुम सीखना शुरू करते हो ना गेम को, जो रिवॉर्डिंग फील होता है ना वो गेम, तो उसमें मज़ा आ जाता है. नए मॉन्स्टर्स. Maybe. Let's check it out. इस गेम में मॉन्स्टर के जितने वेरिएशंस है, जितनी बड़ी रोस्टर है ना मॉन्स्टर्स की, वो शायद ही किसी गेम्स में होगी. और सबसे मज़ेदार बात तो यह है कि सब चीज़ें बॉस फाइट्स है, और जब तुम मॉन्स्टर से लड़ते हो, उसके पार्ट्स वगैरह हार्वेस्ट करते हो, जब तुम नए वेपन्स नए आर्मर वगैरह बनाते हो, कोई भी फाइट रिपीटेटिव नहीं लगती यार. बहुत अच्छी बात लगती है मुझे ये गेम की. और ये है हमारे नए मॉन्स्टर पुके पुके. Well, you were right. There's our mark. Something's got him agitated. Look over there. What in the heck is that? I've never seen anything like it. You think it's from Zora Magdaros? I'd like to find out. और क्या हो सकता है? But we better report back first. All right? Okay, तो हंट के बाद ये है हमारे प्राइजेस है ना. मैं करूंगा टेक ऑल. लेट्स गो. I see. So you think you found something that will lead us to Zora Magdaros? Well, I'll send some researchers out right now, but not with a pissed off Puke Puke hanging around. Puke Puke territory. That's pretty deep in the forest. We'll be better equipped to take it on. Once our team from the resource center is done rebuilding the forest camp, once it's ready, we make our move. Wanna get going? Until then, we do everything we can to help them get that camp up and running. Let's get to it. Once the camp is set up, you can go after that Puke Puke. अच्छा सर, ठीक है. Wonder where the resource center is. वो तो देखना पड़ेगा मैडम. तो चलते हैं हम वर्कशॉप की तरफ, देखते हैं क्या नए अपग्रेड्स आए हैं. हाँ, वर्कशॉप पे जाने का एक और तरीका है, यहाँ पर तुमको लिफ्ट मिल जाएगी. लोडिंग स्क्रीन नहीं रहता है इस लिफ्ट में, तो अगर तुम सेकेंड फ्लोर वर्कशॉप में क्लिक करोगे तो हम पहुँच गए वर्कशॉप पे है ना. हरी बत्ती. You making use of the clutch claw hunter? A slinger a lot more than just a pea shooter these days. Perfect for taking a fight to a monster. Sorry dosto, jyada voice acting nahi kar sakta, mera gala kharab ho raha hai. Grapple onto the beast and clobber to your heart's content. Lekin voice acting na karu to mujhe bura lagega. Till your stamina runs out. Try it for yourself. I know there was a quest for getting in some claw combat somewhere. Ah, here it is.
1-star optional quest, Learning the Clutch. Have a good. Give it a go sometime. Oh. Well, देखते हैं. नया वेपन अगर हम फॉर्ज कर सके तो ग्रेट स्वॉर्ड करना चाहूंगा और सबसे पहला वेपन मैं चाहूंगा डिफेंडर ग्रेट स्वॉर्ड. गेम में घुसने के लिए डिफेंडर ग्रेट स्वॉर्ड बहुत ही सही वेपन है. पहले ही कटसीन प्ले हो चुका है तो मैं अभी स्किप कर दे रहा हूँ. वेपन क्राफ्ट करने के बाद तुम्हारे पास इक्विपमेंट का ऑप्शन आएगा तो मैं करूँगा यस, है ना. तो मेरे पास आ गया अभी बिग स्टिक, बड़ी तलवार, ग्रेट स्वॉर्ड. ठीक है, तो देखते हैं वो जागराज वाला मिशन फिर से अवेलेबल होता है कि नहीं, है ना. तो घुस के देखते हैं. ठीक है, पोस्ट न्यू क्वेस्ट असाइंड, यू कैन नॉट रिपीट कंप्लीटेड असाइनमेंट. ओके, कोई दिक्कत नहीं. ऑप्शनल क्वेस्ट में जाते हैं. तो यार क्वेस्ट जो है वो काफ़ी तरह के होते हैं. तुम जैसे कि तुम देख सकते हो, असाइंड क्वेस्ट जो ऐसे क्वेस्ट है जो तुम्हें गेम को आगे बढ़ाने में या फिर स्टोरी लाइन को आगे बढ़ाने में काम आएंगे. ऑप्शनल क्वेस्ट जो रिपीटेटिव क्वेस्ट यूजुअली जो रहते हैं, मतलब तुम एक मॉन्स्टर से बार बार लड़ सकते हो ताकि उसके पार्ट्स वगैरह, उसके यू नो बाकी सब बायोम्स में जाकर चीज़ें कलेक्ट कर सको. इन्वेस्टिगेशन जो है वो स्पेशल टाइप के क्वेस्ट होते हैं जिनमें रिवॉर्ड जो है वो बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लेटेड होता है. इवेंट क्वेस्ट, इवेंट क्वेस्ट यानी कि क्या कहते हैं, जैसे जैसे गेम आगे बढ़ेगा बहुत ज़्यादा क्वेस्ट और ऐसे अनलॉक होते रहेंगे. और इन इवेंट क्वेस्ट में ना बहुत सारे स्पेशल प्राइजेस होते हैं और बहुत सारे स्पेशल मॉन्स्टर्स होते हैं और बहुत सारे स्पेशल अरीनाज भी होते हैं. तो ये सब जैसे जैसे तुम गेम को आगे बढ़ाओगे वैसे वैसे अलग अलग तरह के रिवॉर्ड्स, अलग अलग तरह के मॉन्स्टर्स वगैरह तुमको उस हिसाब से मिलते रहेंगे. स्पेशल असाइनमेंट्स जो अभी अनलॉक नहीं है, और मज़ेदार क्वेस्ट और भी स्टोरी वाले क्वेस्ट आते हैं स्पेशल असाइनमेंट्स में जो कि लाइक लिटरली बॉस फाइट के भी बॉस फाइट है, है ना. ऑप्शनल में जाकर देखते हैं. लेवल 1 ऑप्शनल क्वेस्ट में है अपने पास लर्निंग द क्लच, क्लच क्लॉ जिसके बारे में मैंने बताया था, बटिंग हेड्स विद नेचर, कैस्टरॉन क्वेस्ट नहीं चाहिए, द थिकेट ऑफ थग, जैग्रास क्वेस्ट नहीं चाहिए. लेवल 2 में है द ग्रेट ग्लटन, तो ग्रेट जैग्रास का हम फिर से हंट शुरू कर सकते हैं. लेट्स गो फॉर ग्रेट जैग्रास. और इस बार हम यूज करेंगे द ग्रेट स्वॉर्ड, बड़ी डंडी. इससे पहले मैं जाऊँ, मैं थोड़ा खाना वाना खा लेता हूँ ताकि मेरा स्टेमिना अप एंड रनिंग रहे. शेफ्स चॉइस प्लेटर, मीट प्लेटर. तो यहाँ पर जैसे कि तुम देख सकते हो, शेफ्स चॉइस प्लेटर में अगर मैं क्लिक करता हूँ तो मेरा हेल्थ 20 बढ़ जाता है और स्टेमिना 25 बढ़ जाता है. मीट में हेल्थ मुझे 10 मिलता है. तो इसी तरीके से कभी कभी रैंडमली नंबर्स आते रहते हैं तो उसी हिसाब से तुम्हें चूज़ करना पड़ेगा कि कौन सा प्लेटर यूज़ करो. मैं जाऊँगा मीट प्लेटर के साथ क्योंकि वो मुझे थोड़ा सा अटैक बूस्ट दे रहा है, है ना. क्योंकि गेम की मेरे को प्रैक्टिस है, मुझे अपने हेल्थ की इतनी ज़्यादा परवाह नहीं है जितने अटैक की है. सो लेट्स गो फॉर इट. फिर से कटसीन आएगा, इस बार मैं स्किप करूँगा क्योंकि कटसीन तुम ऑलरेडी देख चुके हो. ओके, लेट्स गो फॉर द हंट. तो यार ग्रेट स्वॉर्ड एक बहुत ही ज़्यादा स्लो हिटिंग वेपन है लेकिन नंबर्स बहुत बड़े आते हैं ग्रेट स्वॉर्ड पे. जैसे कि तुमने लॉन्ग स्वॉर्ड पे देखा होगा, लॉन्ग स्वॉर्ड के डैमेज नंबर बहुत छोटे छोटे रहते हैं, ग्रेट स्वॉर्ड के डैमेज नंबर बहुत बड़े बड़े रहते हैं. ये देखो, स्काउट फ्लाई ने सिग्नल पकड़ लिया. तो यहाँ से लोग स्काउट फ्लाई के सेंट से, स्काउट फ्लाई का जो सेंट है वो मॉन्स्टर को ट्रेस करेगा और तुम्हें मॉन्स्टर के लोकेशन तक पहुँचाएगा. थोड़ा हनी पकड़ लेते हैं. आसपास कहीं और वगैरह है क्या? तो यार ये देखो, यहाँ पर कभी कभी तुमको माइनिंग नोड्स मिल जाएंगे पूरे लेवल पे, है ना. तो अगर तुम यहाँ पर जाके माइन करते हो ना तो तुम्हें बहुत अच्छे अच्छे रिसोर्सेज मिलेंगे. जैसे मुझे मिला अभी आयरन ओर, और आयरन ओर से मैं काफ़ी सारी चीज़ें क्राफ्ट कर सकता हूँ. ठीक है, तो करते हैं स्काउट फ्लाइज को फॉलो. और ये है हमारे ग्रेट जग्गू. मैं क्या करूँगा ना, पकड़ूंगा इसको, इसको एक बार घुमाऊंगा और बूम, है ना. तो अब करेंगे हम इसका टेंडर आइस, है ना.
देख रहे हो डैमेज नंबर्स? ग्रेट सॉर्ड करा तुम चार्ज कर सकते हो, तो बेसिकली देखो यह है पहला चार्ज, पहला रेड वाला जब आया, ठीक है, और यह है पहला अटैक, यह है दूसरा और यह है तीसरा। यह है ग्रेट सॉर्ड का पूरा कॉम्बो, है ना, और हर चार्ज के तीन लेवल्स होते हैं, जैसे कि एक दो तीन। जैसे ही तीसरा लेवल चार्ज होता है अगर तुम हिट करते हो तो सबसे बड़ा डैमेज नंबर आएगा और तुम इस कॉम्बो को कंटिन्यू कर सकते हो आगे की तरफ, ठीक है। तो कोशिश करेंगे जगरू को फिर से स्टन करने का, तो मैंने ये उठा लिया है, जगरू को पकड़ा। अरे यार, जगरू ने अपने भाइयों और बहनों को बुला लिया है। इसको, अरे नहीं, क्लॉ अटैक हमेशा काम नहीं आते, क्लॉ अटैक सिर्फ तभी काम आएगा जब मॉन्स्टर पूरे गुस्से में ना हो। ग्रेट सॉर्ड से थोड़ा संभल संभल कर खेलना पड़ता है दोस्तों, क्योंकि एक बार अगर हिट मिस हो गया तो उसको रिचार्ज होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, है ना। मैं कोशिश करूँगा इस पर सवार होने के लिए, तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ ना, इसको इधर बुला सकता हूँ। तो स्लिंगर मैं चेंज करूँगा, इस पर मारा तो ये मेरी तरफ डिस्ट्रैक्ट हो गया। तो यार ये गेम का एक बहुत ही बढ़िया मैकेनिक मुझे लगता है, तुम किसी भी लेज के ऊपर से जंप करके किसी मॉन्स्टर को हिट करते हो ना, और एक थ्रेशहोल्ड के बाद ना तुम्हारा जो फ्लाइंग डैमेज होता है या फिर जो एयरबॉर्न डैमेज होता है वो बढ़ता रहता है। तो एक थ्रेशहोल्ड के बाद क्या होगा ना, जब वो थ्रेशहोल्ड कंप्लीट होगा तुम मॉन्स्टर पर ऐसे सवार हो जाओगे, और जैसे ही सवार होते हो तुम उसको स्टन कर सकते हो, और बहुत बड़ा तुमको एक विंडो मिलता है उसको डैमेज करने का, है ना। दोस्तों के साथ खेल रहे हो या फिर अकेले भी अगर खेल रहे हो तो उस विंडो में तुम पूरे अपने अटैक्स या फिर पूरे जितने भी कॉम्बोज है उनको बूम ला सकते हो, है ना। ये मैकेनिक गेम का मुझे बहुत सही लगता है। सबसे मजा तो तब आता है जब तुम दोस्तों के साथ खेलो, क्योंकि जब भी मॉन्स्टर पर राइड करते हो ना कुछ कस्टम डायलॉग्स होते हैं जो तुम इनपुट कर सकते हो, और जब भी यूजुअली अगर तुम नेट पे खेलोगे तो लोग यूजुअली थोड़े नॉनवेज जोक्स वगैरह मारते हैं जब भी मॉन्स्टर पर तुम कोट अन कोट राइडिंग करते हो, राइट। बट हाँ, गेम में मज़ा तभी आता है। एक बार मॉन्स्टर को स्टन किया और उसके बाद उस स्टन से तुमने पूरी टीम को एक बहुत बड़ा विंडो प्रोवाइड किया डैमेज देने का, राइट। तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है ये टाइमर। तो यार ग्रेट सॉर्ड का भी जैगरास हंट कंप्लीट हो गया, हमने लॉन्ग सॉर्ड से भी जैगरास हंट कर लिया, तो अब कोशिश करते हैं चार्ज ब्लेड से और इंसेक्ट क्लेव से, है ना। तो अभी हमें कुछ नए लूट वगैरह मिले हैं, तो मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा सीधे स्मिथी के पास, और जैसे ही मैंने डिफेंडर ग्रेट सॉर्ड क्राफ्ट किया वैसे ही मैं डिफेंडर लॉन्ग सॉर्ड भी क्राफ्ट करूँगा। डिफेंडर चार्ज ब्लेड, डिफेंडर डुअल ब्लेड, जो भी वेपन में खेलने वाला हूँ मैं वो सब क्राफ्ट करूँगा। तो जाते हैं हमारे लोहारी के पास, फोर्ज इक्विपमेंट, वेपन्स, लॉन्ग सॉर्ड, डिफेंडर कटाना अनलॉक्ड है। तो यार देख सकते हो हमारे पास अभी 7 आयरन ओर है, है ना, 7 आयरन ओर। तो हम अलग अलग तरह के वेपन्स को क्राफ्ट कर सकते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि हर वेपन में तुम्हें एक ही रिसोर्स यूज़ होगा, डिपेंड करता है वेपन टू वेपन वो कितना रिसोर्स अलग अलग मांगे। इक्विप नाउ, नो, और मैं करूँगा फिर डुअल ब्लेड्स, डिफेंडर चेन्स और डुअल ब्लेड्स, आई डू नॉट वॉन्ट टू इक्विप नाउ, चार्ज ब्लेड में खेलने में मुझे बहुत मज़ा आता है, तो अभी मैं इक्विप करता हूँ चार्ज ब्लेड, है ना। ये अभी एक और जैगरास हंट करेंगे चार्ज ब्लेड के साथ। एक स्विच एक्स भी बना लेते हैं,
राइट? इक्विप नाउ, नो। और लास्ट में बनाएंगे हम इंसेक्ट ग्लेव, ठीक है? तो यार तैयार है हमारा दूसरा रोस्टर। अच्छा एक और चीज मैं तुम्हें बता दूं कि वेपन्स के टाइप्स होते हैं, कुछ होते हैं हैवी हिटिंग वेपन्स और कुछ होते हैं लाइट हिटिंग वेपन्स, ठीक है? ग्रेट स्वॉर्ड है बहुत ज़्यादा हैवी हिटिंग वेपन, है ना? लॉन्ग स्वॉर्ड है लाइट हिटिंग वेपन्स। तो यार इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो यार डैमेज नंबर कॉम्बोज के तो डिफरेंस आते ही है, तुम्हारे प्ले स्टाइल के हिसाब से तुम उसको चेंज कर सकते हो। लेकिन जो सबसे बड़ा जब डिफरेंस आता है ना, वो है जैसे कि हम क्लच क्लॉ से, यानी कि मॉन्स्टर के ऊपर ऐसे क्लच मार करके, उस पर ग्रैपलिंग हुक मार करके जब उसके फेस पर अटैच हो जाते हैं, तो हम लोग एक जब हम अटैक बटन दबाते हैं तब वो थोड़ा टेंडराइज मारता है। टेंडराइज यानी कि एक एनिमेशन प्ले होता है जिससे वो स्किन को सॉफ्टन करता है ना? तो डिफरेंस ये है कि हैवी हिटिंग वेपन से एक ही बार में स्किन सॉफ्टन हो जाता है, लेकिन लाइट हिटिंग वेपन से तुम्हें वही चीज़ दो बार करना पड़ेगा सॉफ्ट, मतलब स्किन को सॉफ्ट करने के लिए, ताकि तुम्हारा जो शार्पनेस है और तुम्हारा जो डैमेज है वो बढ़ जाए, राइट? तो वो सब मैकेनिक्स तुम्हें गेम देखते देखते ही समझ आएगा। तो अभी जाते हैं ग्रेट जैग्रास के हंट में। ऑप्शनल क्वेस्ट ग्रेट जैग्रास, राइट? और अभी हम यूज़ करेंगे चार्ज ब्लेड। तो यार चार्ज ब्लेड बहुत ज़्यादा मुश्किल वेपन है, मुझे भी सीखने में बहुत टाइम लगा था, लेकिन एक बार सीख गए ना तो बेसिकली स्विस आर्मी नाइफ है ये मॉन्स्टर हंटर का। बड़े डैमेजेस करोगे, फुटप्रिंट्स वगैरह कलेक्ट करते हैं। रास्ता हमें ऑलरेडी पता है, वैसे यूजुअली मॉन्स्टर के क्या कहते हैं पाथ वगैरह ज़्यादा चेंज होते नहीं है इस गेम में, और इसी बहाने लेकर के मैं अपने लिए थोड़े पोशन वगैरह भी क्राफ्ट कर सकता हूँ, है ना? यहाँ पर जाऊँगा मैं और थोड़े आयरन ओर भी हार्वेस्ट कर लूँगा, ताकि और ज़्यादा क्राफ्टिंग के इक्विपमेंट्स मुझे मिल जाए या फिर क्राफ्टिंग मटेरियल्स मिल जाए। और आ गए हमारे ग्रेट जग्गू। सॉरी जग्गू, बट तुम्हें मरना पड़ेगा। तो यार ये कर दिया हमने टेंडराइज। चार्ज ब्लेड एक शील्ड की तरह भी काम आता है। तो चार्ज ब्लेड के कॉम्बोस कैसे काम करते हैं ना, तुम जैसे देख सकते हो मेरे हेल्थ बार के नीचे एक तो स्टैमिना बार है और उसके नीचे शार्पनेस बार है। उसके नीचे तुम देखोगे ऐसे थैले बने हुए हैं, है ना? उन थैलियों में तुम क्या कर सकते हो ना, जो जब भी तुम किसी चीज़ को हिट करोगे ना चार्ज ब्लेड से किसी मॉन्स्टर को, तब उन थैलियों में एनर्जी स्टोर होती है। उस एनर्जी को तुम स्टोर कर सकते हो, जैसे कि मान लो तुमने ऐसे ब्लेड मारा, उस एनर्जी को ऐसे करके तुम स्टोर कर सकते हो एक्स में, है ना? और फिर उस एनर्जी को यूज़ कर सकते हो बड़े डैमेज के लिए। मैं तुम्हें दिखाता हूँ कैसे काम करता है। तो जैसे कि मैं इधर गया, कोशिश करेंगे इसको फिर से स्टन करने का। ओके, अटैक कर लिया। अरे यार मिस हो गया। अरे यार स्टैमिना खत्म हो गया। तो क्लच क्लो का यही चीज है, बहुत ज्यादा स्टैमिना ड्रेन करता है ये, ठीक है? जैसे ही ब्लेड एनर्जी वो होता है ना, ब्लेड जैसे पूरा एनर्जाइज हो जाता है, ऐसे तुम एनर्जी को स्टोर कर सकते हो। अरे यार मैं ब्लॉक करना भूल गया, बट एनीहाउ, ठीक है? एक बार एनर्जी स्टोर हो जाए, नो, हेल्थ लो हो रहा है, थोड़ा ड्रग्स पी लेते हैं, हेल्थ बढ़ जाए। तो ये देखो जितनी भी एनर्जी थी ना मैंने शील्ड पे स्टोर कर ली। तो तुम आइकन के पीछे देख सकते हो शील्ड अभी पिंक हो गया है मेरा। तो अभी मैं क्या करूँगा, अरे यार नहीं, ओके बच गया मैं अपने बांकड़ बिल्ले ने बचा लिया।
तो अभी मैं क्या करूँगा, जैसे मेरे सारे थैले या फिर सारे बाटली भरी हुई है और अपना शील्ड भी चार्ज है, मैं क्या कर सकता हूँ, एक बहुत बड़ा चार्ज अटैक कर सकता हूँ। ये देखो, बूम, राइट। और यही प्रोसेस में फिर से रिपीट करूँगा। शील्ड का चार्ज भी धीरे धीरे ख़त्म होता है दोस्तों, तो ध्यान रखना शील्ड को टाइम टू टाइम चार्ज करते रहना अपने बड़े हिट आने से पहले, है ना। और जगरूक ख़त्म। अभी तो हम लो रैंक पे खेल रहे हैं, इसलिए बहुत जल्दी जल्दी मॉन्स्टर्स ख़त्म हो रहे हैं। जैसे जैसे हम लोग रैंक अप करके हाई रैंक पे आ जाते हैं या फिर उससे भी ऊपर के रैंक में आ जाते हैं, जो मैं अभी बताऊंगा नहीं क्योंकि वो स्पॉयलर्स में चला जाएगा, तो और भी ज़्यादा टाइम लगता है। कभी कभी एक मॉन्स्टर को मारने के लिए आधा घंटा लग जाता है। और जितनी बड़ी फाइट उतना बड़ा रिवॉर्ड। ऑलराइट, लूटिंग शूटिंग कर ली अपने, जैगराज भी खत्म है, अब बस वेट कर रहे हैं घर जाने का। ऑलराइट, काफी कम लूट मिले इस बार, बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लूट कभी कभी तुम्हारे आरएनजी पर भी डिपेंड करेगा, यानी कि रैंडम नंबर जेनरेटर, या फिर कहोगे रैंडम नंबर गॉड, है ना। तो लॉन्ग सोर्ड हो गया, ग्रेट सोर्ड हो गया, चार्ज ब्लेड हो गया, अब क्या ट्राई करें, अब ट्राई करते हैं इंसेक्ट ग्लेव। इंसेक्ट ग्लेव दोस्तों मेरा वन ऑफ द फेवरेट वेपन्स है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वर्टिकैलिटी होती है इंसेक्ट ग्लेव को यूज़ करने में, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है इंसेक्ट ग्लेव यूज़ करने में। तो मैं जाऊँगा चेंज इक्विपमेंट, इंसेक्ट ग्लेव, डिफेंडर ग्लेव वन, हाँ सही ग्लेव है। और हाँ, तुम्हें कीड़ा भी चूज़ करना पड़ेगा। तो तुम्हारे पास दो तरह के कीड़े हैं, एक तो कल ड्रोन है ना। कल ड्रोन में क्या है, तुमको पावर लेवल वन, स्पीड लेवल वन है, क्योंकि अभी तुम्हारा लेवल ज़्यादा नहीं है। डस्ट इफेक्ट में पॉइजन है, मल्ड्रॉन में है डस्ट इफेक्ट में हील। तो मैं क्या करूँगा, क्योंकि शुरुआत के लेवल है, मैं रिकमेंड करूँगा कि मल्ड्रॉन ही यूज़ करो, क्योंकि हर एक हिट पे वो तुम्हें थोड़ी थोड़ी हीलिंग प्रोवाइड करेगा, है ना। तो ओके, इंसेक्ट ग्लेव उठा लिया अपन ने, अब जाएंगे पोस्ट न्यू क्वेस्ट ऑप्शनल, बड़ा जंगल, लेट्स गो। कहने के लिए तो हम रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन जग्गू को हम चार बार ख़त्म कर चुके हैं। अगर दर्शकों में से किसी का नाम जग्गू होगा तो माफ़ी चाहता हूँ। तो इंसेक्ट ग्लेव, ओके, इंसेक्ट ग्लेव कोई ऐसा वेपन नहीं है कि तुम इस वेपन के जो कंपेनियन है उसको ऐसे ही भूल जाओ, जैसे तुम अपने बिल्ले को भूल जाते हो, है ना। इसके कंपेनियन को टाइम टू टाइम यूज़ करना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि इससे मैंने एक्सट्रैक्ट हार्वेस्ट किया, तो इससे हीलिंग एक्सट्रैक्ट हार्वेस्ट होता है। उसी तरीके से जैसे कि तुम देख सकते हो मेरे हेल्थ बार के ऊपर, हेल्थ बार के नीचे, स्टैमिना बार के नीचे और शार्पनेस बार के नीचे जो 1 2 3 करके अभी तुम्हें दिख रहा होगा, 1 2 3 करके जो लिखा हुआ है ना, वो है इसके पावर अप्स। और 1 2 3 जो पावर अप्स है, 1 जो होता है, अभी तुम्हें समझ आ जाएगा, इसके फेस को हिट करने से 1 का पावर अप आता है, है ना। लेग्स को अगर मैं हिट करूं या फिर किसी ऐसे एरिया को जहां से डैमेज नहीं जाता, तो इससे 3 का पावर अप आता है, यानी ऑरेंज पावर अप। और अगर वाइट कलर का एक पाउडर आता है, यह है वाइट पावर अप, है ना। अब ये 3 पावर अप्स अगर मेरे पास आ गए ना, तो इंसेक्ट ग्लेव के एनिमेशन वगैरह चेंज हो जाते हैं। तुम किस तरीके से मॉन्स्टर से लड़ते हो उसका पूरा तरीका बदल जाता है। मैं दिखाता हूँ, मैंने कहा था इसकी वर्टिकैलिटी के बारे में, ये देखो यार, वो अलग चीज़ है, चीज़ हिट नहीं करी, अब आया ना मज़ा। इंसेक्ट ग्लेव बहुत ज़्यादा स्टैमिना ड्रेनिंग वेपन है, तो इसको थोड़ा सोच समझ के यूज़ करना है। हेडशॉट,
बच गए। सिर्फ यही कॉम्बो नहीं है इंसेक्ट ग्लेव में, अगर तुम चाहो तो बहुत ज्यादा एयरबोर्न कॉम्बोस यूज कर सकते हो, है ना। और देखो अभी एयरबोर्न कॉम्बो का थ्रेशोल्ड मेरा खत्म हो गया, तो अब मैं मॉन्स्टर के ऊपर चढ़ गया, अब मैं करूंगा इसको स्टन। पत्थर पे क्लिप हो गया मैं। एनी हाउ बेचारा छिप कर ही। कभी कभी तुम्हें इस जानवर पर दया आती है यार, कितनी बुरी तरीके से तुम इनका मर्डर करते हो। बट एनी हाउ इंसेक्ट ग्लेव की एक और बात है, तुम हवा में जाकर इनको क्लच क्लो मार सकते हो, तुम हवा में किसी भी पार्ट पे चिपक करके टेंडराइज कर सकते हो, है ना। अरे यार तुम देख सकते हो जो ऊपर के पावर अप्स का जो मार्क है वो ब्लिंक होने लगा है, इसका मतलब मेरे पावर अप्स बहुत जल्दी खत्म होने वाले हैं, है ना। और ये खत्म हो गए पावर अप्स। ये जो रेड कलर के निशान देख रहे हो ना, ये जग्गू भैया को मारने के बाद मुझे मिले। किसी भी मॉन्स्टर के ऊपर चढ़कर अगर तुम उसको टेंडराइज करते हो ना, तो तुम्हें ऐसे रेड कलर के कुछ स्लिंगर शॉट्स मिलेंगे इस टाइप के। वो मॉन्स्टर टू मॉन्स्टर डिपेंड करता है, अलग अलग रहते हैं। इससे क्या कर सकते हो ना, इन स्लिंगर एमो से तुम अपने कीड़े को पावर अप कर सकते हो। तो पावर अप का कंट्रोल बेसिकली है लाइट अटैक और हैवी अटैक का बटन एक साथ दबाने पर। ये देख रहे हो ना, इंसेक्ट ग्लेव के पावर अप के साइड में कीड़े का भी पावर अप आ गया। जग्गू भैया सोए हुए हैं, पावर अप चुराएंगे। अरे भाई नहीं 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 नहीं, तो मैं यूजुअली रिकमेंड करता हूँ तीनों ही पावर अप उठा लिया करो, क्योंकि उससे तुम्हारा डैमेज वगैरह भी बढ़ता है। देखो जो रेड पावर अप होता है ना, वो तुम्हारा अटैक एनिमेशन और डैमेज नंबर को बढ़ा देता है। जो वाइट पावर अप होता है वो तुम्हारी स्पीड बढ़ा देता है, और जो येलो पावर अप होता है वो बाकी के पावर अप्स को और थोड़े देर तक, मतलब और थोड़े टाइम तक लॉन्ग लास्टिंग के लिए हेल्प करता है। तो यार ये थे चार तरह के वेपन्स और उनको हंट में यूज़ करने के तरीके। इसी के साथ मैं अपना पहला वीडियो ख़त्म करना चाहूँगा। उम्मीद है यार तुम लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और यार मॉन्स्टर हंटर डाउनलोड करो, मॉन्स्टर हंटर ख़रीदो। अभी कैपकॉम की पता नहीं नेक्स्ट सेल कब आएगी, बट जब भी आए या फिर अगर तुम्हारे पास पैसा हो तो ऐसे ही ख़रीद लो। और यार गेम को फैलाओ यार, बहुत ही बड़ा ही मज़ेदार गेम है ये। शुरुआत में पेसिंग थोड़ी धीमी रहती है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे और जैसे जैसे मैं नए वीडियोज़ अपलोड करूँगा, गेम और ज़्यादा मज़ेदार होते जाएगा, और ज़्यादा मॉन्स्टर्स मिलेंगे, और ज़्यादा एक्साइटमेंट बढ़ेगा, एड्रेनलिन बढ़ेगा। और सबसे बेस्ट बात, मैं तुम लोगों के साथ खेलूँगा, चिंकियों के साथ नहीं। चाइनीज़ लोगों के साथ खेलने में आधे टाइम तो वो कम्युनिकेट नहीं कर पाते। बट एनी हाउ इनफ ऑफ रेसिस्टम्स, यूट्यूब में बैन ना हो जाऊँ मैं। बट ऑलराइट, वीडियो एंड करने से पहले कुछ चीज़ें चेंज करते हैं। जैसे कि मैंने कहा था ना कि कभी भी तुम अपना अपीयरेंस वगैरह चेंज कर सकते हो, तो अगर तुम अपने रूम में जाओ, है ना, और चेंज अपीयरेंस में क्लिक करो, तो तुम फेस के स्ट्रक्चर वगैरह को तो ज़्यादा चेंज नहीं कर सकते, लेकिन अगर तुम्हें दाढ़ी वगैरह लगाना हो, जैसे कि फेशियल हेयर्स वगैरह लगाना हो, तो तुम इसमें और लगा सकते हो। तुम्हें हेयर स्टाइल वगैरह चेंज करना हो तो तुम वो सब कर सकते हो, राइट। कन्फर्म, फिनिश, और लास्ट चीज़ मैं चाहूँगा मैं अपना हेड गियर हटा दूँ, क्योंकि यार बाल बड़े अजीब लग रहे हैं। तो मैं जाऊँगा ऑप्शंस में,
ऑप्शंस में जा करके यार हेडगियर हटाने का ऑप्शन मुझे मिल नहीं रहा। कीबोर्ड सेटिंग्स, ओके, हेड आर्मर को मैं ऑफ करना चाहूँगा, है ना, क्योंकि बिना हेड आर्मर के थोड़े हेयर स्टाइल थोड़ी अच्छे से नहीं दिखती। बट एनी हाउ दोस्तों, ये था मॉन्स्टर हंट का मेरा पहला प्ले थ्रू, उम्मीद है तुम्हें पसंद आया हो, और इसी के साथ मैं करता हूँ साइन आउट।